हाल से हूं तू देखने वाला है
तो गैब से निदा आती है, काबे की दीवार शक हुई यानी कि फट गई, और गैब से निदा आई क्या, आ जाओ फातिमा तुम्हें क्या है इतराज है, आ जाओ फातिमा तुम्हें क्या है इतराज है, काबा भी पाक है तेरा बच्चा भी पाक है, काबा भी पाक है तेरा बच्चा भी पाक है। इस मकाम से अला हजरत साहब फरमाते हैं, आपको जिन्होंने शेर लिखे हैं मकाम देखिए, वहां तो दूसरा शायर कह रहा है उस बात को, क्योंकि ये हकीकत है, काबे की दीवार फटी और घर से विदा आई क्या, आ जाओ फातिमा तुम्हें क्या ऐतराज है, काबा भी पाक है तेरा बच्चा भी पाक है। हवाला हजरत साहब फरमाते हैं, क्योंकि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा दूर का, सबसे लास्ट में हुर जनाबे इमाम हुसैन अली रहमान की फौज में आई थी। तो शायर ने क्या, सैयद फारूक अली साहब ने मुझे मिसरा याद दिलाया है, आया था सबके बाद में किस्मत तो देखिए, आया था सबके बाद में किस्मत तो देखिए, उन सबसे पहले हुसैन से जन्नत ले गए। तो जिस जगह हुर बनाए जाते हैं कारखाना कारखाना कारखाना, ये हुसैन आखिरी शेर, जिस शेर के सदमे में बड़ी नवाजिशें हुई हैं, आप लोगों की मोहब्बतें मिली हैं, नवादिशी रबुल आलमीन की, तो शेर में खड़े होकर पढ़ूंगा, जिनके सदके में, आप सब भी खड़े हो जाएंगे, उनके सलाम पढ़ेंगे, उसके बाद खड़े हो जाएंगे, मालिकों का जिक्र चल रहा है, जिनके सदके में ये कायनात बनी, ऐसा ना हम सब पढ़ के, हम सब पढ़ेंगे मेरे आका का नाम, जिनके सदके में ये कायनात बनी, ऐसा नाना ऐसा नाना मेरे मेरे आका का नगर है, मेरे आका का नगर है चर्रा मोहम्मदपुर, और मैं तो मोहम्मदपुर कह रहा हूँ क्योंकि कितने खुशनसीब लोग हैं आप, कि जब आप कहते होंगे, आपसे जब कोई पूछता होगा कि आप लोग कहाँ से हैं, तो जब आपके मुंह से निकलता होगा मोहम्मदपुर के, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह, मुझे मालूम है गुलामा ने रसूल ये शेर मेरे साथ पढ़ेंगे, कोई पूछे ये तार किसका है, तुम सब बताना तुम सब बताना, बाबड़ा नवाज बोले बिल्कुल जितनी ताकत अब पूरी रात में बची है जिसमें, सब हुसैन का नाम ले लो, जिनके सदके में कोई पूछे ये तार किसका है, तुम सब बताना
तुम सब बताना पाक के सदके में रब्बुल आलमीन हम सब पे करम फरमा। परवरदिगार जिन लोगों ने भी कमेटी के जिम्मेदारानों ने इस महफिल को सजाने में हिस्सा लिया है मौला हुजूर के सदके में हम सब की जायज नेक तमन्नाओं को कबूल और मकबूल फरमा ले। मौला जिस जगह मैं खड़ा हूँ कई साल के बाद ये मंजर मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से कि पंजतन पाक इस गुलजार को शादो आबाद रखे, इस दरसगाह को परवरदिगार सलामत रखे। ये एक बच्चों की तालीम गाह है जहाँ से बहुत सारे हाफिज कारी बन के निकलते हैं। मौला यहाँ के पढ़ाने वालों को भी सलामत रखे और मौला पढ़ने वालों के इल्म में इजाफा फरमा। मौला अली मुश्किल गुशा के सदक़े में इल्म में इजाफा अता फरमा। परवरदिगार आलम जो हमारे नौजवान यहाँ खड़े हैं उनकी तमाम नेक जायज़ तमन्नाओं को कबूल मकबूल फरमा। परवरदिगार आलम जिन बहन बेटियों के रिश्ते नहीं हुए उनको नेक जायज़ रिश्ते अता फरमा। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार नसीब फरमा। जो बे औलाद हैं उनका औलाद नसीब फरमा। परवरदिगार आलम हम सबको पंज वक्ता नमाजी बना दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे, हाजी बना दे। हम सबको बुजुर्गाने दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे, अपने वालदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमसे जो गलती हुई है उसको माफ़ फरमा। हम तो सरापा खता है परवरदिगार आलम, मगर तू अता ही अता है। मौला जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मैं नहीं मांग पाया हूँ वो भी अता फरमा। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। कोई गलती गुस्ताखी हुई हो तो मैं अपने बड़ों से और छोटों से माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह खुशियों के साथ परवरदिगार आलम हमारी फिर मुलाकातें करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।